गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक सैंपल का क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के ट्रायंगल का है, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन सैंपल में था, सो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बता दिया जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे और मैं आपको बता दूं, ये आपके एडुकार्ड भी सैंपल में मिलेगा और सवाल में मिलेगा, इवन आप सारे सैंपल पेपर में आप ही क्वेश्चन को देख सकते हो। So, मैंने सोचा है कि आपका इसका सॉल्यूशन दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरडीएस अग्रवाल या एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, आरडी शर्मा में है। So, मैंने सोचा है कि इसका सॉल्यूशन दे दूं। क्वेश्चन क्या है, गौर फरमाइएगा। इफ ए बी द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल एंड बी वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस इज 2ab by under root b का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। आप देख पा रहे हो हमारे सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और फाइनली हम ये जो देख पा रहे हैं इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दूं। आप गौर फरमाओ, यहां पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ना। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है जरा गौर फरमाओ। तो ये आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल है, इज इट क्लियर ना। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। क्लियर बात है। अब जरा बताइए मुझे कि ए जो दे रहा है यहां पर, ये ए क्या है, एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया है। हमने एबीसी इसलिए नाम नहीं दिया, क्योंकि एबीसी दे देते तो मसला यहां पे गड़बड़ हो जाता है। क्या, क्योंकि ए जो दे रहा है यहां पे एरिया दे रहा है, इसलिए हमने कुछ और नाम दे दिया पी क्यू आर, जो हमारा कहां पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है। हम आर पर भी दे सकते थे, पी पर भी दे सकते, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि पी पर, क्यू पे, आर पे। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। एंड बी जो कह रहा है हमारा यहां पर, क्या कह रहा है, बी वन ऑफ द साइड्स कॉन्टेनिंग द राइट एंगल, मतलब स्मॉल बी जो है एक ऐसा साइड है जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप गौर फरमाओ यहां पे राइट एंगल कौन फॉर्म कर रहा है, पी क्यू और क्यू आर, इसी दोनों के साइड के जरिए तो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो कह रहा है उसमें से कोई एक साइड बी है, तो चाहे आप इसको बी मान लो या इसको बी मान लो, मान लो हम इसको बी मान लेते हैं। क्लियर ना, हमने बी मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं, देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, मतलब हमें प्रूव करना क्या है कि हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, ये अल्टीट्यूड का लेंथ जो दे रहा है, हमें प्रूव करना है क्या, 2ab by under root b का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। इसका नाम दे दो, मान लो n है, मतलब हमें qn इक्वल ये प्रूफ करना है। ये क्या प्रूफ करना है, qn इक्वल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमें qn इक्वल इतना प्रूफ करना है, जरा गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे a क्या है, a क्या है, एरिया है, ए क्या है, एरिया है। तो क्यों ना मैं इसका एरिया निकाल दूं, एरिया इक्वल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं इसका, ये एरिया था ना, और हमें एरिया में भी चाहिए यहां पे, तो हम मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा यहां पर क्या हो गया, क्यू आर, इंटू हाइट हमारा अल्टीट्यूड क्या हुआ, पी क्यू। तो आप जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्यू आर के बदले में बी इंटू पी क्यू, और यहां से मैं पी क्यू अगर फाइन करूंगा तो क्या आएगा, पी क्यू फाइन करेंगे तो 2a बाई बी, इतना आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ जरा। पी क्यू का वैल्यू मेरे को आ गया 2a बाई बी। क्लियर ना, ये पी क्यू का वैल्यू है, मैं यहां लिख देता हूं 2a बाई बी। क्लियर, अब चलिए, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है क्यू एन, मतलब क्यूएन का लेंथ इतना हमें चाहिए, तो क्यूएन लाना है। तो आप जरा एक बात बताओ मुझे, क्यूएन लाने के लिए, क्यूएन लाने के लिए एक बात हम क्या ऐसा कर सकते हैं, उससे पहले एक और बात समझो, और समझो पहले,
ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR में, इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR में आप मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हुआ, बेस हो गया। तो P है, B है, तो हाइपोटेनस फाइंड कर देते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड होता है, तो दो साइड हमें आ गया, तो थर्ड फाइंड कर देते हैं। तो आप बताओ इन ट्रायंगल PQR, तो PQR में आप मुझे बताओ PR स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर ना? आप बताओ मुझे तो PR स्क्वायर चाहिए। PQ कितना है देख लो, 2A by B होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कितना है, B का स्क्वायर। क्लियर ना? अब यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, आप जरा गौर फरमाना, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, PR स्क्वायर इक्वल 2A by B का होल स्क्वायर क्या होगा, 4A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यहां क्या है, बी स्क्वायर। तो आप जरा मुझे बताओ इसका एलसीएम ले लो, तो पी आर स्क्वायर क्या होगा, एलसीएम आपका यहां पे बी आर स्क्वायर होगा। हाँ या ना? तो यहां क्या लिखेंगे, 4A स्क्वायर प्लस B4। तो पी आर का वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस B4 बाई B स्क्वायर। हाँ या ना? होगा ना? अब जरा मुझे बताओ इसका ऊपर वाले का आता स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो रहने दो, 4A स्क्वायर प्लस B4 बाई B स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, B होगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में यह जरूर ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने पी आर का वैल्यू फाइंड किया अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस B4 बाई B, इसका यह मतलब होता है कि कुछ कुछ रिलेशन हमें आ रहा है। आप देखो जरा, 4A स्क्वायर प्लस B4 हमें रिलेशन कुछ आ रहा है ना, लेकिन यह तो हमें पी आर का वैल्यू है, हमें प्रूव क्या करना है, QN प्रूव करना है, क्योंकि जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हाइपोटेनस पे उसका लेंथ हमें ये लाना है। हाँ या ना? तो करना क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे मैं बताने वाला हूं, पहले ली देता हूं ये जो आया वैल्यू, ठीक है ना, यहां ली देता हूं अंडर रूट B4 प्लस 4A स्क्वायर बाई B। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जरा गौर पाइएगा, हमें तो QN चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करता हूं इस ट्रायंगल और एक होल ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर दूं, ये ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को मैं सिमिलर कर रहा हूं। गौर फरमाना, इन ट्रायंगल PNQ एंड ट्रायंगल क्या, PQR। अब इस दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर करने वाला हूं, कैसे, गौर फरमाना, इसमें ये 90 N, इसमें N इक्वल क्या होगा, एंगल क्यू 90 डिग्री, और दूसरा क्या इक्वल होगा, तो दूसरा आपका इक्वल होगा क्या, ये कॉमन, तो एंगल पी इक्वल एंगल पी क्या होगा, कॉमन। क्लियर ना? तो यहां लिख सकते हैं क्या, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो याद करो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो आप जरा मुझे बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, सॉरी, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शन होगा। तो खुद जरा सोच के मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, स्पेस भी कम है, इतना ही मेरे हमको पूरा लिख देना है, तो लिख सकता हूं क्या, PQ बाई क्या हो जाएगा, PR, मतलब इसके 90 के सामने PQ, तो बड़े वाले 90 के सामने क्या, PR इक्वल, फिर बताओ कॉमन वाला वैल्यू लिया है तो इस कॉमन के सामने क्या हो गया, QN बाई बड़े वाले में क्या होगा, QR। अब यहां पर वैल्यू पुट करके हमें QN ले आना है, गौरव माना PQ कितना है, तो PQ 2A by B है इक्वल, QN कितना है, यही तो हमें चाहिए, बाई QR कितना है, आप खुद देख सकते हो QR कहां गया, वेयर इज QR, QR आपका यहां पे B है। हाँ या ना? और हमें तो चाहिए क्या,
क्यू एन का वैल्यू चाहिए, तो एक और चीज छूट गया ना आपका, वो भी लिख देता हूं। इक्वल क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, इसमें क्या बच जाएगा, पी क्यू क्यू एन हो गया, पी क्यू क्यू एन तो बच क्या गया। तो इस तरीके से 2a बाई, यहां पर आप जरा गौर फरमाओ, PR है तो PR का वैल्यू तो मेरे पास क्या है, इतना है ना, तो ये वैल्यू पुट करना चाहिए, मैंने B लिख दिया था। तो यहां पर क्या लिखेंगे गौर फरमाना, B4 प्लस क्या है 4a स्क्वायर बाई B। क्लियर है, दिख रहा होगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यू एन का वैल्यू। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहां पर हमें जो सॉल्यूशन लाना है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो देखिए जरा, पी क्यू का 2a बाई इतना हो गया, और क्यू एन बाई क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू मेरे को बी है, हमें तो चाहिए क्या, क्यू एन का वैल्यू। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्यू एन इक्वल अगर हम लिखना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्यू एन इक्वल होगा 2ab इंटू बी एस का ऊपर हो जाएगा। तो यहां देखो पी क्यू का वैल्यू मेरे को क्या है, पी क्यू का वैल्यू हमारा यहां पे 2a बाई बी है, तो यहां पर लिख दो आप इसको क्या, 2a बाई बी, ठीक है, बाई पी आर। तो पी आर कितना है आप देख सकते हो, ये है इक्वल क्यू एन रहने दो, और क्यू आर कितना है, क्यू आर बी है। तो आप मुझे बताओ क्या ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, यहां पर एक्चुअली वैल्यू छूट रहा था, बातें समझ में आ रही है ना। अब यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एन इक्वल क्या लिखेंगे, 2ab बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, b4 प्लस 4a स्क्वायर। और आप देख सकते हो हमें यही चाहिए क्यू एन का वैल्यू, जो हमें यहां पे प्रूव होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। यहां पे एक्चुअली गलती होने का क्या सवाल था, कि मैंने यहां पे पी क्यू का वैल्यू जो पहले लिखा था 2a बाय b बिल्कुल सही लिखा था, और मुझे जो लगा क्या कि हमने पी आर का भी वैल्यू डाल दिया है, जो कि आप देख सकते हो पी आर का वैल्यू हमारा ये था, हाँ या ना। तो हमने वैल्यू पुट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्यू एन का वैल्यू ऑब्टेन किया। इसमें मैंने कुछ नहीं ज्यादा किया, बस आप देख सकते हो और इसको एक बार देखोगे बखूबी अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई, अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।